ये कुल्लू से मनाली, मनाली से हमीरपुर, हमीरपुर से सुजानपुर, सुजानपुर से पालमपुर, रास्ता ये मेरा, मैं जाऊंगा वहाँ, मेरी मंजिल हो जहाँ, जाऊंगा वहाँ, मुझको ना बता, मेरी मंजिल है कहाँ, जाऊंगा वहाँ, कामयाबी हो जहाँ, मुझको ना बता, मेरी मंजिल है कहाँ, जाऊंगा वहाँ, कामयाबी हो जहाँ, तेरी तरह ना मैं बेला रोज फिरता हूँ, करता हूँ करता हूँ, रोज मेहनत करता, दोबारा तेरी फट गई, मैं ऊपर रोज बढ़ता, सचिन गैंगस्टर। नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा देवभूमि मेरे टीवी से, और मेरे साथ हैं इस वक्त सचिन गैंगस्टर, जिन्हें आज लोग कह रहे हैं कि हाँ यही है आने वाला टैलेंट। ये जो आपका सफर है, इसकी शुरुआत ये कहाँ से हुई और कैसे हुई और किन हालातों में हुई? 8th क्लास में मैंने फर्स्ट टाइम बोहिमिया को सुना, फिर वहीं से मेरा क्रेज स्टार्ट हो गया। मतलब मैंने उसको लगातार सुनना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे सुनता गया, और प्लस टू तक मतलब कुछ चेंजेस आए तो मैंने कुछ अपना भी लिखना स्टार्ट करा। बस कुछ अपना भी लिखना स्टार्ट किया। तो इस चीज में जब आपने ये चीज की शुरुआत की, तो क्या आपकी स्टडीज वगैरह में कोई प्रॉब्लम आई हो इस वजह से, या क्या आपके पेरेंट्स इस वजह से नाराज हुए हो, क्या कभी ऐसा हुआ? 10th में हुआ ऐसा। 10th में मैं इतना ज्यादा बोहिमिया को सुनता था कि मतलब नोकिया 7 फोन था और उसकी बैटरी भी काफी लॉन्ग लाइफ, तो उसको एक बार सुबह चलाने मैंने सॉन्ग, तो वो बंद ही नहीं होने शाम तक, मतलब रात को भी, तो कंटिन्यू। और उस ऐसा हुआ कि सोशल स्टडी में मेरे को आ गई कंपार्टमेंट, फिर वो मैंने मतलब बहुत ऐसे तैसे घर से बहुत गालियां फोकस की, हाँ तूने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई में तूने ध्यान नहीं दिया, रैप कर रहा है, ये कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, क्या होता है ये, क्या है, तो वैसे वैसे फिर उसको क्लियर किया। फिर +1 में हुआ, फिर स्टडी वैसे कंटिन्यू रही और रैप भी साथ में चलते रहे। तो ये प्रोसेस जो था, इस प्रोसेस को आपने कंप्लीट करने के लिए लगभग कितना टाइम लिया, जो आज आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल छाए हुए हैं और हर कोई आपको देखना चाह रहा है, ये कब हुआ? ये कॉलेज मतलब +2 में तो कुछ खास नहीं था, +2 तक तो मैं वही रहा, मतलब ऐसा है, स्कूल में भी दोस्त हंसते थे कुछ एक आसपास के ही, उनके नाम तो नहीं बताना चाहता, बट वो हंसते थे कि क्या है ये, तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बट मतलब फिर जैसे +2 पास आउट हो गया, फिर कॉलेज फर्स्ट ईयर में जैसे आया मैं, तो मैंने और भी रैपर्स को मैं सुनता था, जैसे मेनली तो मैंने सबसे ज्यादा तो बोहिमिया को सुना, तो मतलब बोहिमिया सर को सुना। तो बोहिमिया जो है वो मैं कह सकता हूँ कि आपके आइडियल आइडल, बिल्कुल सही बोल रहे आप, आइडियल है वो तो आइडियल। हाँ जी हाँ जी, उन्हीं से मैंने सीखा, मतलब उनको, उन्होंने तो नहीं सिखाया बट उनको सुनता सुन सुन के मैंने वही कैच किया कि कैसे वो क्या सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वैसे उन्हीं को, और वैसे वैसे मैं आगे गाता गया, वैसे करता गया, फिर वो करते करते उनके हर एक सॉन्ग को मैं मतलब बिल्कुल A to Z उनके सारे सॉन्ग याद हो गए मुझे, कोई ऐसा सॉन्ग नहीं था जो मुझे आता नहीं था। फिर वैसे ही मुझे कुछ दोस्तों ने, कुछ भाइयों ने मोटिवेट किया कि तू मतलब बोहिमिया को छोड़ के अपने रैप लिखना स्टार्ट कर। फिर कॉलेज फर्स्ट ईयर जैसे कंप्लीट होने वाला था और लास्ट जैसे मैंने कुछ रैप लिखे, फिर उन पे थोड़ा फोकस करा वैसे कर। तो आप बोहिमिया का नाम ले रहे हैं? हाँ जी। उनके रैप आपको पसंद है? बहुत। कोई उनका ट्रैक है कि कोई कुछ 2-3 लाइनें आप 2-3 लाइनों में आप हमें सुना सके? बोहिमिया मैं जदों दा आया, वे मैनू रोकन चले किन्ने कोई रोक ना पाया, वे मैंने सारी दुनिया च ना कमाया, लोकी बोल दे पर अपा करके वखाया। बहुत अच्छा, देखिए टैलेंट, देखिए ये टैलेंट, इस टैलेंट की तलाश पटलांदर गांव से शुरू होती है और पटलांदर गांव के आज हीरो बन चुके हैं सचिन जी। सचिन जी, बहुत सारे सवाल हैं हमारे दिमाग में और एक सवाल जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वो सवाल इस तरह से है, आपके पास सोर्सेज नहीं थे, संसाधन, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, आपके पास सोर्सेज नहीं थे, संसाधन नहीं थे, और उसके बाद आपने अपने आप को बिल्डअप किया, अपने म्यूजिक तैयार किया, ये सफर कैसा रहा? स्टार्टिंग तो ऐसे हुआ, फोन से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, जैसे एक साइड बूफर में कोई म्यूजिक लगा दिया, बीट लगा दी कोई, और एक साइड फोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, और जो मैंने सॉन्ग लिखा होगा उसको मैंने फोन के आगे स्पंज रखा, रुमाल रखा, मतलब उसको एक फिल्टर करना चाहा, मतलब मेरे पास कोई माइक नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग का कोई सोर्स नहीं, तो वैसे करके उसमें आवाज फिल्टर होकर जाती, फिर वैसे करके जो भी रिकॉर्डिंग होगी, जो भी ट्रैक बनेगा, उसी पे मैंने शूट करनी फोन से, जगह जगह पे थोड़े थोड़े किसी दोस्त को बोल के, किसी भाई को बोल के शूट लेके वो एडिट करके वीडियो बना के वैसे डालना शुरू की, बट वैसे कुछ बात नहीं बन रही थी, मतलब वो मजा नहीं था, मतलब उसमें सुनने का वो बात नहीं थी, मतलब फिर धीरे धीरे मतलब मैंने माइक लिया, फिर माइक लेके मैंने रिकॉर्डिंग, बट मेरे को मिक्सिंग मास्टरिंग होता मेन, वो भी मेरे को नहीं आती थी, फिर वही मतलब वो चीज जो उसमें सुधार आया वो किया मेरे एक, मेरे जीजा जी के, बुआ जी के लड़के हैं, उन हम बता सकते हैं, उनका नाम करण राजपूत, वो खुद एक पंजाबी सिंगर हैं और उनका चैनल है, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, उनके काफी बहुत बढ़िया सॉन्ग है और बहुत बढ़िया सिंगर है वो पंजाबी, तो उन्होंने मेरी मिक्सिंग मास्टरिंग करना। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये टैलेंट है, इसमें निखार जो है उसके पीछे आप उनका
हाथ थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, करण राजपूत उनका नाम है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मेरे दो ट्रैक, अब तक के जो दो ट्रैक है क्रिमिनल, उस पे 27,000 व्यूज है, और एक है मेरी सोच, उस पे 24,000 व्यूज है। मतलब सब तो आप ये भी बता दीजिए कि आपने अपना वो वीडियो जो है वो हमारे जो दर्शक है, हमारे जो लोग देखने वाले हैं, वो ये जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि वो अपने वीडियोस कहाँ डाले हैं और वो किस किस वेबसाइट पे हैं और किस किस तरह से वो उनका एक्सपोजर हो रहा है, ताकि ये भी आपको लाइक कर सके, ये भी देख सकें। यूट्यूब पे चैनल है सचिन गैंगस्टर, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी वीडियोज हैं, और मेरे यूट्यूब पे भी हैं, और फेसबुक पे भी हैं, सचिन गैंगस्टर करके मेरी आईडी है, और टिकटॉक पे भी है। तुनका तुनका करके गड्डी चलानी है, दुनिया देनी दुनिया, अपनी फैन बनानी है। अब वो कैसे, वो एक माइंड में क्वेश्चन मार्क आ गया कि कैसे करूंगा मैं, मतलब कोई हेल्प नहीं किसी को, कोई सोर्स नहीं। बट वही था ना, सोच बड़ी रख के चला कि नहीं कुछ करना है और जीरो ही रखनी है किसी को। और ये सोच रखते रखते आपने एक सॉन्ग बना दिया, मेरी सोच। हाँ जी, मेरी सोच बना दिया उसमें, मतलब सॉन्ग जो है वो उसका थोड़ा मेरी सोच और तेरी सोच, तू मेरी छोड़ तू अपनी सोच, तू मेरी तरह क्या आगे बढ़ेगा जिंदगी में, फिर खुद लड़ेगा, कोई ना मुझको क्वेश्चन करेगा, यहाँ तो मेरा टसन चलेगा, बात बात में जशन करेगा, ज्यादा बोले उसको मैं परे करेगा, मेरी तरह ना रैप करेगा, मेरी तरह ना तू लड़ेगा, तू डरेगा ऐसा ना, तेरा काम चलेगा, मुझे देख तू पीछे हटेगा, धीरे धीरे तो खुद मिटेगा, रीस करेगा तो आगे बढ़ेगा। मेरी सोच, मेरी सोच और तेरी सोच, तू मेरी छोड़ तू अपनी सोच, तू मेरी तरह के आगे बढ़ेगा जिंदगी में, फिर खुद लड़ेगा, कोई ना मुझको क्वेश्चन करेगा, यहाँ तो मेरा टेंशन चलेगा, बातों बातों में जशन करेगा, ज्यादा बोले उसको मैं परे करेगा, मेरी तरह ना रैप करेगा, मेरी तरह ना तू लड़ेगा, तू डरेगा ऐसा ना, तेरा काम चलेगा, मुझे देख तू पीछे हटेगा, धीरे धीरे तू खुद मिटेगा, रीस करेगा तो आगे बढ़ेगा। ये देखिए, इसको सबसे बड़ी मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो मेन जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि शायद एक अभी रवीन सिंह की एक मूवी आई अपना टाइम आएगा, तो जो अपना टाइम आएगा वो उसी का इंतजार कर रहे हैं सचिन गैंगस्टर, और उसको आप लोग ला सकते हैं। सचिन जी, आपको क्या लगता है कि इसके आगे का पड़ाव आपका क्या होगा? आगे का पड़ाव तो मतलब वही है, अभी मेरे 5.9 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, मतलब 5,900 समथिंग, और आगे जैसे मैं ट्रैक्स बना रहा हूँ और मैं वैसे बनाता रहूंगा और इतने अच्छे ट्रैक्स बनाऊंगा कि अपने सुजानपुर का, अपने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का, पूरे ऑल ओवर इंडिया में नाम होगा, और हर जगह एक एक हर कोई बच्चा जानेगा कि नहीं सचिन गैंगस्टर नाम से कोई रैपर है। और स्टार्टिंग में तो वही था, जब मैंने सचिन गैंगस्टर नाम रखा तो सभी हंसते थे कि क्या है ये नाम, नहीं चलेगा ये, तूने अपना गुंडा लगा लिया, वैसे लगा लिया, गैंगस्टर क्या होता है। बट वही ना सोच रखी मैंने कि नहीं इसको चलाना है। तो गैंगस्टर का क्या मुद्दा है, गैंगस्टर का क्या लॉजिक है, मुझे बताएंगे? इसका ऐसा है कि जो हिप हॉप जो रैप है वो एक मतलब अमेरिका से स्टार्ट हुआ, मतलब टुपाक नाम का एक रैपर था, वो वैसे टुपाक नाम था उसका, तो वो गैंगस्टर रैप गाते थे, मतलब जैसे गुंडों वाले रैप, जैसे मतलब गाड़ियां, गन्स दिखाना, हथियार दिखाना, तो मतलब एक गैंगस्टर रैप बोलते हैं जिसको, कि मतलब एक फिर वैसे ही करके मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद था, गैंगस्टर रैप जिसको बोलते हैं, तो वैसे करके मैंने वैसे ही अपने नाम के आगे निक नेम। और हाँ, एक मेन हाथ ये भी है कि मतलब मेरे पापा जी मुझे, मतलब मुझे पसंद था ऑल ओवर ब्लैक कपड़े पहनना, ऊपर से मतलब मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो मेरे पापा मुझे बोलते थे तू क्या मतलब बनी रहा, क्या बने है तू, गुंडा डाकू, गुंडा डाकू, तो मैं पापा को बोलते थे कि डाकू गुंडा अच्छा लगता सब, तो फिर पापा ने बोला कि फिर बोले क्या गलाना, मैंने कुछ और गला यारो, पापा तो लोग सामने बेचती होंगी, तो फिर पापा ने बोला कि तू जो बोले गैंगस्टर बोलिए, बोले मैं ठीक है। फिर मतलब मेन हाथ जो है इसमें, आपके डैड भी आपको बहुत खुश होते हैं ये सब देख के, जब आप ये सब चीज करते हैं, ये क्रिएटिविटी जब आप करते हैं, कोई आप रैप तैयार करते हैं तो कितना वक्त लगता है उसको, किस हिसाब से आप कोई घंटों को काउंट करते हैं कि दिनों को काउंट करते हैं कि किस हिसाब से चलते हैं? मतलब वही, एक तो मैं लिखता कम हूँ, और बट जब लिखने बैठ जाता हूँ तो मतलब एक घंटे में एक रैप हो जाता है आराम से, फिर मतलब थोड़ा सा लिखने के लिए आप सिर्फ एक घंटा लगाते हैं, लेकिन उसको बनाने में, उसको क्रिएट करने में मतलब थोड़ा, जैसे शूट भी करना होता है, फिर उसका मिक्सिंग मास्टरिंग वो भाई करते हैं, फिर मतलब सारा प्रोसेस मिला के रख लो, वैसे ट्रैक बनाने को तो 5 दिन में बन जाता है, बट जो मैं अपने ट्रैक बनाता हूँ ये रख लो 1 मंथ में एक ट्रैक। तो जो आपने ये म्यूजिक तैयार किया है, जो रैप सॉन्ग्स में आपने डाला है, जो आपने लिरिक्स तैयार किए हैं, जो इनके साथ मिलाकर आपने गाए हैं, इसके लिए आपने, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि कई बार आप वीडियो डालते हैं तो अभी तक आप शायद, आज हम आपके सामने बैठे हैं, आज हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने वो मुकाम जो है वो आज यहाँ पे हासिल कर लिया है कि एक चैनल आपको आज रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं आपको ये भी बात बोलूंगा कि आप दूसरों को भी मौका दे रहे हैं, मतलब वही है जो मतलब मुझे कर, मॉडल्स देखे मैंने आपके, लड़कियां देखी मैंने आपके, कई फ्रेंड्स हैं आपके, आप सबको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और एक बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे?
मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे मेरा कोई सॉन्ग है, मुझे काफी मैसेजेस आते हैं जैसे भाई हमें अपने सॉन्ग में रोल दो, ये करो। मैं तो बोलता हूँ भाई ये लोकेशन है, इतने टाइम पे लोकेशन है, इतनी डेट को आप वहां लोकेशन पे पहुंचो और मैं आपको रोल करूंगा, चाहे कैसे भी करना। मैंने नहीं सोचा होता कि किसको क्या रोल दूंगा, मतलब माइंड में वही होता कि नहीं यार इसकी हेल्प करनी है। वैसे कुछ लड़कियों के भी मैसेज आते हैं कि प्लीज सचिन भाई हमें सॉन्ग में अपने में रोल करो, मौका दो, कुछ भी चांस दो। मतलब क्या करते हो जब लड़कियां आपको मैसेज करती हैं? जरूर, मतलब जो मतलब जैसे जितने फिर मैं देखता हूँ कोई मतलब जिसकी मुझे चॉइस होगी, जो मुझे लगेगा कि नहीं सही सॉन्ग में सही है, उनको मैं जरूर ऑफर करता हूँ, मैं मना नहीं करता किसी को। और वैसे बॉयज के भी आते, तो मैंने काफी बॉयज को भी बोला कि जैसे हाँ आप सॉन्ग में आ सकते हो। वैसे तो वैसे मैं हर किसी को सोचता हूँ कि जैसे मैं आगे चल रहा हूँ तो मेरे सभी साथ में चले, ऐसे मतलब सब यही सोच है। देखिए यही सोच है कि लोगों की सोच देखिए आप हमारे यहाँ की, कि नहीं अगर हम उठ रहे हैं तो अकेले हम नहीं उठेंगे, हम सबको आगे लेके चलेंगे। और यही सोचता है सचिन गैंगस्टर आज का युवा। आंखें खोलते ही देखा मैंने हो गई सुबह, मुझको तब पता चला पिछली रात ही तू मुझसे क्यों हो गई जुदा, कहती छोड़ दे तू मुझको और दफा हो तू जा, फिर दिल मेरा तो टूट गया, फिर सपनों से मैं रूठ गया, जो सपना था वो टूट गया जो तेरे लिए हंसता था वो हमेशा के लिए टूट गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सचिन। सुजानपुर जो है अब ये इंतजार कर रहा है कि वो अपना नाम जो है वो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कैसे चमकाएगा, क्योंकि यहाँ से जो टैलेंट उठा है। आपकी एज जानना चाहूंगा मैं। 19 साल के हैं आप सिर्फ? हाँ जी 19 साल। और 19 साल में, और आपकी क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन बीकॉम फाइनल कंप्लीट हो गया, अभी एग्जाम हो गया। मतलब पढ़ाई भी आपने लगभग अपनी खत्म कर ली है? हाँ जी, जो मेरी जो मतलब मेरे क्लासमेट है वो 22-23 के हैं और मैं अभी 19 का हूँ। सिर्फ 19 के हैं सचिन जी। और देखिए, और इनके परिवार की इनको पूरी सपोर्ट है, इनकी सिस्टर्स भी हमारे साथ हैं। मेरी छोड़ तू, अपनी सोच तू, मैं एक बार बुलाना चाहूंगा, जिंदगी में फिर खुद लड़ेगा, कोई भी मुझको पसंद करेगा, यहां मेरा टेंशन चलेगा, बातों में सर करेगा, ज्यादा बोले उसको मैं। आप देखिए, हम यही बात बोलते हैं कि कामयाबी जो है वो अपनों के साथ होती है, और यहाँ अपनेपन में ही इनके जो बहन है जो अभी काफी देर से ये इनको देख रही थी, मैंने सोचा हम उनको भी कैच करें, इनको भी देखें। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? शबनम जी, आज आपके जो भाई हैं सचिन गैंगस्टर, मैं तो गैंगस्टर के नाम से बोलूंगा, आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि आपका भाई जो है वो यहाँ तक पहुँच रहा है, और आप क्या सोच रहे हैं कि आगे आपका भाई को आप कहाँ देखना चाहते हैं? वैसे देखा जाए तो इसमें काफी ज्यादा टैलेंट है, और मैं तो वैसे स्टार्टिंग से ही बोल रही थी कि ये कुछ नहीं करेगा, मम्मी भी इसको बोलते थे पढ़ता नहीं है, ये करता है वो करता है कुछ नहीं करता है, बट मुझे भी फील हो रहा है कि इसमें काफी ज्यादा टैलेंट है और बहुत आगे जाएगा ये। बहुत आगे जाएगा, देखिए सिस्टर है इनकी और ये बहुत खुश हो रही है इस चीज में। आपको कहीं ना कहीं से जब बहुत ज्यादा ये अंदर कमरे में बंद होते होंगे, अपना म्यूजिक बनाते होंगे, किसी से बात नहीं करने होंगे, थोड़ा गुस्सा तो आता होगा? गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि मम्मी के साथ पापा के साथ हेल्प नहीं करता है ये इतना ज्यादा, बस कमरे में बंद रहना है, अपने लिरिक्स लिखना है, म्यूजिक वगैरह बस इसी में ही 24 घंटे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना जो तन मन धन है, जो अपनी पूरी जो डेडिकेशन है, वो म्यूजिक को ही दे देते हैं, फिर कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। सचिन जी आप क्या बोलते हैं इस बारे में? ये तो कम्प्लेंट हो गई आपकी। ये ऐसा होता है कि मतलब जिस टाइम मैं फोकस, जब मुझे ट्रैक बनाना होता है ना, उस टाइम मैं मम्मा से परमिशन लेके कि मम्मा अब मैं काम करने जा रहा हूँ, और मतलब कुछ काम है तो बताओ मैं कर दूंगा, और अब मुझे मतलब कोई मेरे रूम में ना है, बिकॉज उस टाइम मैं म्यूजिक पे पूरा फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैक। आपको कैसा लगता है जब ये फोकस करते हैं? गुस्सा तो आता है लेकिन फिर भी कुछ खुशी तो होती होगी कि नहीं किसी तरफ तो चल रहा है मेरा भाई। वो तो है, बट आफ्टर रिजल्ट अच्छा लगता है। दुनिया के रस्मों रिवाजों में उड़ता परिंदा, मैं आसमां का मरी। और भाई के प्रति उनकी कुछ जिम्मेवारियां भी हैं, अभी भी नोटिस कर रहे थे इनको यहाँ पे खड़े होके, नहीं देखते हम बोलते क्या हैं और किस तरह से अपने आपको प्रेजेंट करते हैं। तो मतलब हर जगह बहन अपने भाई के साथ खड़ी है। वो गाना तो आपको याद ही होगा कि फूलों का तारों का सबका कहना है, और 1000ों में मेरी बहना है। और देखिए ऐसी बहनें हैं जो साथ में म्यूजिक को भी सपोर्ट किया जा रहा है, और साथ में एक ये भी बात बोली जा रही है कि अपनी पढ़ाई की तरफ भी कंसंट्रेट करें, अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें। बहन का साथ है, बहन की ताकत है। अभी इनके मम्मी नहीं आए, कि एक बार इन वीडियोस में इनके मदर भी दिखते हैं मुझे, तो उन्होंने हमेशा इसका साथ दिया है। लेकिन जैसा कि हर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, अभी छोटे हैं गैंगस्टर हमारे, तो बच्चे हमारे साथ साथ पढ़ाई भी करें और साथ साथ म्यूजिक के साथ भी आगे बढ़े। बाकी मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने हमें अपना क्रूशियल टाइम दिया। मैं हिमांशु शर्मा देवभूमि मिरर टीवी से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक रैप
के साथ मैं इस चीज को खत्म करना चाहूंगा। मेरी सोच और तेरी सोच, तू मेरी छोड़, तू अपनी सोच, तू मेरी तरह के आगे बढ़ेगा जिंदगी में फिर खुद लड़ेगा, कौन मुझको कैसे करेगा, यह तो मेरा डिसीजन लेगा, बात बात में जन करेगा, ज्यादा बोले उसको मैं फिर परे करेगा, मेरी तरह ना रैप करेगा, मेरी तरह ना लड़ेगा, तू करेगा सब तेरा काम चलेगा, मुझे देख तू पीछे लेगा, धीरे धीरे तू कुछ मिटेगा, रीस करेगा तो आगे बढ़ेगा। मेरी ये देखिए, यह है टैलेंट। धन्यवाद दोस्तों।